डीओपी ये जस माना क्या थोड़ी देर धूप में रखा था ऐसा हो गया गुलाब जामुन बट मुझे रसगुल्ला पसंद है। ठीक है ऑसम ब्रिलियंट वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड आई लव इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ए ए पटा पटा पीछे से ये गाइस देखो लो सारी लोकेशन बनाई हुई है यहाँ बढ़िया बढ़िया। तो गाइज अभी 12:15 हो चुके हैं एंड आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका है और अभी सॉन्ग शूट चल रहा है। सिर्फ 2 ड्रेसेस हुई हैं अभी, 4 ड्रेसेस पेंडिंग है तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। और बाकी मैं तुम्हें शॉट्स दिखा रहा हूँ बीच में पूरी हवेली के, और जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़े बड़े पॉपुलर सिंगर्स के सॉन्ग शूट हुए हैं। गीता जैलदार का सॉन्ग शूट चल रहा है अंदर, कॉपीराइट्स के इशू की वजह से हम दिखा नहीं सकते वो शूट, बट वो यहाँ पर उनकी पूरी टीम मौजूद है इस समय एंड वो शूट चल रहा है अंदर। और इधर प्री वेडिंग चल रही है बाहर अब हमारी, तो नवीन ने नया फ्रेम यहाँ पर सेट किया है तो अब देखते हैं यहाँ सेटिंग कर रहा है ये। एक शॉट यहाँ का भी लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाली है यहाँ। गाइस नवीन को मैंने बोल दिया है फोटो सेक्सी लगनी चाहिए, मतलब मैं बढ़िया लगना चाहिए फोटो में, हूँ नहीं हूँ डजेंट मैटर बट अच्छी आनी चाहिए फोटो। अब वो गया बाहर फोटो शूट करने। ए बोरा बोरा फोटो ले रहा है, मिनट में पोज कर पूछा। गाइज ये एक कुआं है यहाँ पे वेल, ये कोई फिशिंग वेल नहीं है वैसे ही बनाया हुआ है। पानी वानी नहीं है इसमें, कूद सकते हो बस, कूद के भी कुछ मिलेगा नहीं, ये नीचे ही है जमीन। तो गाइस पौना एक हो चुका है और अभी तक नवीन ने 7-8 फोटोज अपनी ले चुका है नवीन, और हमारे 2 ड्रेसेस में थोड़ा सा सॉन्ग शूट हो चुका है, अभी 4 ड्रेसेस बाकी हैं। और 9 बजे से पहले हमें यहाँ से निकलना भी है बिकॉज चंडीगढ़ में लॉकडाउन है एज यू नो कि पंजाब, और इसमें लॉकडाउन लगा हुआ है रात का, नाइट कर्फ्यू, तो जल्द से जल्द शूट करना पड़ेगा। एंड एक तरफ गीता जैलदार का सॉन्ग शूट चल रहा है तो अभी उनसे मिले हम, और अगर इन बिटवीन अगर उनसे मिल पाए दोबारा और बात हो पाई तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा। बाकी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया था उनके नेक्स्ट कमिंग सॉन्ग के लिए जो शूट हो रहा है, एंड पूरी टीम आई हुई है उनकी भी, और हमारा भी शूट कंटिन्यू चल रहा है। तो अब वेस्टर्न लोकेशन चेंज करने वाले हैं हम, लास्ट एक और कुर्ते में शूट है ना, एक कुर्ते का एक लास्ट शूट बचा है एंड उसके बाद सिर्फ वेस्टर्न रहेगा एंड थोड़ा स्मोक वगैरह से देखते हैं क्या करते हैं। एंड कलर वगैरह का भी कुछ लेके आए हैं थीम की, वाइट टी शर्ट्स के ऊपर कलर, तो देखते हैं कि कैसा लगेगा। और बाकी ब्लॉग में बने रहो, और मुझे पता है कि तुम्हें ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। गाइस यहाँ पे इन्होंने पूरा वेस्टर्न के लिए दिया हुआ है, एंड वहाँ पर हवेली है एंड वहाँ पर उसके अंदर गीता जैलदार का सॉन्ग शूट हो रहा है, ये ऊपर डेकोरेशन उन्हीं के लिए है। वो रहा वो सामने गाइस, ये प्रॉपर सॉन्ग्स के लिए ही दिया हुआ है इन्होंने लोकेशन।
आप खुद ही देख सकते हो क्या ऑसम लोकेशन है यार ये, परफेक्ट आ रही है यहाँ से। तो यहाँ से अब डिसाइड किया, ये फ्रेम एक सेट किया नवीन ने शूट करने के लिए, काफ़ी मतलब क्रिएटिव फ़ोटो लेगा यहाँ से। बाकी जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं अगर वो एडिट हो गई जल्दी तो मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा दूँगा, तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, वही गाना जी पता नहीं है कितने भरता है, तो रसगुल्ला है साथ में, साढ़े गोल्ता है नहीं है, गुलाब जामुन, बट मुझे रसगुल्ला पसंद है, ये अच्छा चलेगा लेकिन फिर भी, जी या गुलाब जामुन, रसगुल्ला वाइट, रसगुल्ला वाइट वाला। तो गाइस खाना पीना हो चुका है एंड अब बाहर चल रहा है वीडियो शूट, उसके बाद नवीन की फिर से टर्न आने वाली है फोटो शूट करने की, एंड बाकी तो मैं वीडियो शूट भी दिखाता हूँ जाके, बहुत देर होगी वीडियो शूट नहीं देखा ना, तो चलते हैं बाहर गाइस ये घोड़ी बहुत स्लो चल रही है, सुस्त है घोड़ी, ए ए घोड़ी फॉर्म में आई, और छोड़ो ना उसको निकल जाएगी आगे। दोनों असिस्टेंट बने हैं समय नवीन के, और कुछ अलग ही सीन चल रहा है यहाँ, है ना। बाय बाय घोड़ी, टाटा, तू जा रही है अब, मुझे अकेले खा देने बेबे बापू का गेट से, H401 है वो, अंबाले का स्कूटर है वो, और नवीन कैसा जा रहा है फिर शूट आज? मजा आ रहा है। लोकेशन कैसी है? परफेक्ट लोकेशन है गाइस। अब नवीन ने यहाँ सेटअप किया शूट करने के लिए, देखो सामने घड़ी भी है बड़ी सी, यहाँ करते हैं अभी थोड़ी देर में फोटोज, अभी टी ब्रेक चल रही है। देख मन, ये अगर आप मनकीरत तोगल्लक को अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ये जूनियर मनकीरत के नाम से फेमस है। रुको जरा, सबर करो। ये गाइस छोटा सा एक अपडेट आया हमारी इस वीडियो में, एक आपने देख लिया मनकीरत उल्लक, अगर आप बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर छोटा गीता जलदार या फिर देखो परमेश वर्मा की लुक डिट्टो लग रही है तो अगर आप बुक करवाना चाहें कम बजट में तो हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे पास। और ये पीछे जो बैठे हैं ये छोटे मोटे जसमानक है, ये भी ये जसमानक है, थोड़ी देर धूप में रखा था ऐसा हो गया तो बाकी बढ़िया है, अच्छा चल रहा है शूट, कैसा चल रहा है बताना चाहेंगे कुछ? डायरेक्टर मौसम के अनुसार है, तो कैसा चल रहा है? एकदम मौसम, सॉरी ऑसम, इसकी सुन लो ठीक है, ऑसम ब्रिलियंट वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड आई लव। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। शूट हमारे मौसम के हिसाब से चल, गाइस देखो तुम लोग देखते हो कि शूट कितना अच्छा आता है, बट देख लो कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे, एक लोग मतलब दो लाइट्स लगी हुई हैं, एक नीचे रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, ऊपर से अलग लाइट चल रही है, तो मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके अच्छी वीडियो आती है या फोटो आती है। ये सस्ता जसमानक आ गया, कोका नी कोका बलिए पाला कोका नी बलिए, ए ए फटा फटा पीछे से, नहीं
ये इनका भी चैनल किस नाम से भैया? इंटरनेशनल ब्लॉगर केबी सेवन। भाई सर्च कर लेना इंटरनेशनल ब्लॉगर केबी सेवन, ठीक है। और भैया का नाम कपिल है, बाकी आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट करो। एंड व्लॉगिंग व्लॉगिंग करते हैं और आगे मोटो व्लॉगिंग भी लाएंगे और डेली व्लॉग्स भी लाएंगे, फुल ट्राई है गाइस। देखो वैसे मनकीरत वाला काम तो ठीक है, लेकिन ये बंदा ना, ये बंदा बहुत डिले करता भाई। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा गया। टाटा बाय बाय दुनिया फेवर, लेट्स प्ले होले। बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। गाइस इस समय टाइम हो चुका है 7:45 और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज पंजाब में, और आपको पता है कि यहाँ चंडीगढ़ में लॉकडाउन है, मतलब कर्फ्यू है रात का, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमें अभी निकलना पड़ रहा है। हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है और बाकी उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी, यहाँ का जो भी व्यू था देखने में अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।